हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एंड दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट है, अगर आप एक ऑफिस वर्कर है, या फिर दोस्तों अगर आपका कोई छोटा मोटा बिजनेस है, जैसे कि हेल्थ केयर का बिजनेस है, फाइनेंशियल का बिजनेस है, एजुकेशनल फील्ड का बिजनेस है, या फिर दोस्तों अगर आपका कोई छोटा मोटा मार्केटिंग का बिजनेस है, तो दोस्तों आपको पता है कि डे टू डे लाइफ में आपको काफ़ी सारी डॉक्यूमेंटेशन के काम करने होते हैं। एंड दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन में देखें आपको काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन करना होता है, जैसे कि टेक्स्ट में देखें आपको एडिट करना होता है, डिजिटल साइन वगैरह ऐड करना होता है, वाटरमार्क ऐड करना होता है, इवन दोस्तों अगर आपको कुछ प्राइवेसी प्रोटेक्शन ऐड करना होता है डॉक्यूमेंटेशन में, तो इसे काफी सारे आपको तरह तरह के कस्टमाइजेशन करना होता है। इवन दोस्तों अगर आपको एक डॉक्यूमेंटेशन से दूसरे डॉक्यूमेंटेशन में कन्वर्ट करना होता है, तो ऐसे में काफी सारे मॉडिफिकेशन के काम आपको डे टू डे लाइफ में करना होता है। बट दोस्तों अगर आपका डॉक्यूमेंट मैक्सिमम देखेंगे पीडीएफ के फॉर्मेट में आता है, तो आपको पता है कि पीडीएफ का जो डॉक्यूमेंट है एडिट करना, मतलब कि कस्टमाइज करना, कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सो फ्रेंड्स, इस सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन एक कंपनी लेके आई है, जिसका नाम है वंडरशेयर का पीडीएफ एलिमेंट। जी दोस्तों, वंडरशेयर की तरफ से आपको मिल जाता है पीडीएफ एलिमेंट का टूल, जिसके जरिए देखेंगे आपको जो भी पीडीएफ का डॉक्यूमेंट है उसको आप एक डॉक्यूमेंटेशन से दूसरे डॉक्यूमेंटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको कस्टमाइज करना है तो कस्टमाइज भी कर सकते हैं, एडिट करना है तो एडिट भी कर सकते हैं, ओसर जैसे फीचर आपको मिल जाते हैं, वाटरमार्क ऐड करना है तो वाटरमार्क भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको कुछ डिजिटल साइन वगैरह ऐड करना है, तो काफी सारे देखेंगे तरह तरह के मॉडिफिकेशन आप पीडीएफ डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं। सो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में सारे वंडरशेयर के पीडीएफ एलिमेंट के फीचर्स के बारे में बात करने वाला हूं, कि पीडीएफ डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए आपको कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं, एंड बहुत सारे आपको तरह तरह के एडवांस लेवल के फीचर मिल जाते हैं। सो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहिए। सो बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास किसी भी टाइप का पीडीएफ का फाइल है, पीडीएफ का डॉक्यूमेंट, तो सभी टाइप्स के पीडीएफ फाइल डॉक्यूमेंट के लिए एक सॉल्यूशन है, जो कि वंडरशेयर का वंडरशेयर पीडीएफ एलिमेंट। सो फ्रेंड्स, लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। एंड दोस्तों, ये विंडोज, मैक, iOS या फिर एंड्रॉइड के लिए अवेलेबल है, तो जल्दी से फ्री डाउनलोड के ऊपर क्लिक कीजिए। एंड डाउनलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद ऑनलाइन इंस्टॉलर की मदद से इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो चलिए मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, फाइल इंस्टॉल हो चुका है, एंड इंस्टॉल होने के बाद जस्ट आपको क्या करना है, पीडीएफ एलिमेंट को ओपन करना है। एंड दोस्तों, पीडीएफ एलिमेंट ओपन हो चुका है। एंड दोस्तों, पीडीएफ एलिमेंट ओपन होने के बाद इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि फर्स्ट देखेंगे ओपन फाइल्स, मतलब यहां से हम डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा देखेंगे कंपेयर फाइल्स, मतलब अगर आपके पास टू पीडीएफ से ओल्ड फाइल एंड न्यू फाइल, यहां से कंपेयर भी कर सकते हैं। इसके आगे वाला फीचर देखेंगे जो कि है कंबाइन फाइल्स, मतलब दोस्तों अगर आपके पास मल्टीपल पीडीएफ फाइल है एंड अगर आप चाहते हैं कि उनको कंबाइन करना है, तो कंबाइन भी कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे आपको कंप्रेस करना है तो कंप्रेस भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपको ओसीआर का भी फीचर मिल जाता है, पीडीएफ कन्वर्ट करना है तो पीडीएफ को कन्वर्ट भी कर सकते हैं, लेटेस्ट में पीडीएफ को क्रिएट भी कर सकते हैं, एंड बैच पीडीएफ जैसे काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, फॉर एग्जांपल हम एक कुछ पीडीएफ फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, मतलब इंसर्ट करेंगे। सो जो भी आपका पीडीएफ का डॉक्यूमेंट है, तो पीडीएफ के डॉक्यूमेंट में यहां से ओपन कर सकते हैं। एंड दोस्तों, ओपन करने के बाद सबसे फर्स्ट हम कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो कि कमेंट्स के फीचर। ऊपर काफी सारे आपको फंक्शंस मिल जाते हैं, बट वन बाय वन सारे फीचर्स हम बात करने वाले हैं। तो पहले फीचर के बारे में बात करेंगे, कमेंट में आपको मिल जाता है पॉइंट हाइलाइटेड का फीचर। सो फ्रेंड्स, इस हाइलाइटेड फीचर के जरिए आप अपने किसी भी पीडीएफ डॉक्यूमेंट का जो भी पॉइंट है उसको हाइलाइटेड कर सकते हैं। एंड हाइलाइटेड करने के लिए आपके देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कलर अवेलेबल है, जैसे कि ग्रीन से ऑरेंज है, उसके बाद देखेंगे मल्टीपल कलर्स के फॉर्मेट आपको अवेलेबल है। सो जो भी पॉइंट आउट, मतलब कि जो भी टेक्स्ट अगर आपको हाइलाइटेड करना है, सो आपके डॉक्यूमेंट में जहां भी अगर आपको किसी भी टेक्स्ट को हाइलाइटेड करना है, सो टेक्स्ट को हाइलाइटेड कर सकते हैं, काफी सारे मल्टीपल कलर्स अवेलेबल है। इसके बाद दोस्तों, अगर आपको किसी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करना है, सो अंडरलाइन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको किसी टेक्स्ट को स्ट्राइक आउट करना तो स्ट्राइक आउट भी कर सकते हैं। आप देखेंगे इस मेथड से अपने पीडीएफ डॉक्यूमेंट को स्ट्राइक आउट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, और भी कुछ फीचर्स है, जैसे कि एरिया हाइलाइटेड का भी फीचर मिल जाता है, स्विगली लाइन से काफी सारे मोर फीचर्स मिल जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर आपको कुछ ज्योमेट्री ड्रॉ करना है, जैसे कि स्क्वायर को ड्रॉ करना है तो स्क्वायर को भी ड्रॉ कर सकते हैं, सर्कल को ड्रॉ करना है तो सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं, अगर आपको किसी एरो चाहिए, मतलब पॉइंट आउट करना है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको देखेंगे ज्योमेट्री में और भी कुछ फीचर्स है, जैसे कि लाइन से, उसमें देखेंगे क्लाउड से, पॉलीगॉन से, ऐसे काफी सारी ज्योमेट्री ड्रॉ करने का भी फीचर मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों, आगे देखें अगर आपको कुछ मैसेजिंग्स वगैरह टाइप करना है, मतलब ये टेक्स्ट वगैरह टाइप करना है, तो टेक्स्ट वगैरह भी आप टाइप कर सकते हैं। सो अगर आप अपने पीडीएफ डॉक्यूमेंट में कुछ टेक्स्ट वगैरह टाइप करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट वगैरह भी टाइप कर सकते हैं। एंड दोस्तों, आपको इस पीडीएफ एलिमेंट में टेक्स्ट कॉल आउट का भी फीचर मिल जाता है, मतलब दोस्तों अगर आपको किसी एरिया को कॉल आउट करके दिखाना है, सो आप अपने पीडीएफ डॉक्यूमेंट में इस मेथड से देखेंगे कॉल आउट को इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड उसी कॉल आउट में देखेंगे टेक्स्ट वगैरह टाइप करना है, तो टेक्स्ट को भी टाइप कर सकते हैं।
सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आगे देखेंगे आपको पेंसिल का भी फीचर मिल जाता है। पेंसिल के साथ साथ अगर आपको पेंसिल को कस्टमाइज करना है, चेंज करना है तो भी चेंज कर सकते हैं। इरेजर चाहिए तो इरेजर भी मिल जाएंगे। इवन दोस्तों अगर आपको स्टैम्प चाहिए तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको स्टैम्प इसमें अवेलेबल है, जैसे कि अप्रूव्ड का स्टैम्प है। सो इसमें आपको तरह तरह के स्टैम्प्स अवेलेबल है। पीडीएफ डॉक्यूमेंट में अप्लाई करना है तो अप्लाई कर सकते हैं। एंड दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि कुछ कस्टम, अगर आप खुद का कोई एक स्टैम्प को डिजाइन करना चाहते हैं तो आप इसमें कस्टम स्टैम्प को भी डिजाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मैंने यहाँ पे देखेंगे मेरे लोगो के साथ यहाँ पे एक कस्टम स्टैम्प को डिजाइन किया है, जो कि आप अपने पीडीएफ डॉक्यूमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। ये भी काफी शानदार फीचर मुझे लगा है। डायरेक्टली आप अपने पीडीएफ डॉक्यूमेंट में स्टैम्प को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि अपने पीडीएफ डॉक्यूमेंट में कुछ सिग्नेचर वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखेंगे आपको सिग्नेचर का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर कुछ सिग्नेचर यहाँ पे ड्रॉ करना है तो सिग्नेचर को भी ड्रॉ कर सकते हैं। एवं दोस्तों अगर आपके पास कुछ फाइल है तो यहाँ से उसको फाइल को भी एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मेरे पास यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट सिग्नेचर है तो मैं यहाँ पर ब्राउज कर लेता हूँ। एंड ब्राउज करने के बाद आप अपने पीडीएफ डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर को भी ऐड कर सकते हैं। सो देयर आर मेनी फीचर्स एंड ऑप्शंस फॉर एडिंग सिग्नेचर इन योर पीडीएफ डॉक्यूमेंट। इसके बाद दोस्तों सेकंड फंक्शन के बारे में बात करेंगे, जो कि एडिट का फंक्शन। एंड दोस्तों एडिट के फंक्शंस में आने के बाद आपको पीडीएफ डॉक्यूमेंट में कुछ टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है सो ऐड टेक्स्ट का भी फीचर मिल जाता है। एंड दोस्तों टेक्स्ट ऐड करने के साथ साथ आपको यहाँ पे देखेंगे ऐड इमेज, मतलब कि आप अपने पीडीएफ डॉक्यूमेंट में कुछ इमेज वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो इमेज वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपना एक खुद का लोगो यहाँ पे ऐड किया है एज इमेज, सो आप आसानी से देखेंगे यहाँ पे इमेज को भी ऐड कर सकते हैं। एवं दोस्तों अगर आपको कुछ लिंक्स वगैरह ऐड करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पीडीएफ डॉक्यूमेंट में कुछ किसी टाइप का लिंक वगैरह ऐड करना है सो एरिया को सिलेक्ट करने के बाद उसको लिंक भी ऐड कर सकते हैं। इसके वजह से अगर आपको वाटरमार्क ऐड करना है तो वाटरमार्क को भी ऐड कर सकते हैं। सो वाटरमार्क के लिए अगर आपके पास कुछ फोटोज है पीएनजी फॉर्मेट में लोगो है उसको भी ऐड कर सकते हैं। एवं दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि खुद का टेक्स्ट वगैरह टाइप करना है तो टेक्स्ट वगैरह भी टाइप करके वाटरमार्क को ऐड कर सकते हैं। सो देयर आर मेनी फीचर्स एंड देयर आर मेनी ऑप्शंस टू ऐड वाटरमार्क इन योर पीडीएफ डॉक्यूमेंट। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको बैकग्राउंड सेट करना है, मतलब कि काफी सारे लोगों का अपना जो पीडीएफ डॉक्यूमेंट है कलरफुल बनाना चाहते हैं सो बैकग्राउंड को भी ऐड कर सकते हैं। एवं दोस्तों अगर आपको पीडीएफ डॉक्यूमेंट में हीडर फुटर वगैरह ऐड करना है सो हीडर फुटर को भी ऐड कर सकते हैं। बाकी और भी काफी सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, वो भी आप चेकआउट करके देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले फंक्शन के बारे में, जो कि है कन्वर्ट का फंक्शन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने पीडीएफ डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो काफी सारे ऑप्शंस आपको कन्वर्ट करने के लिए मिल जाता है। जैसे कि दोस्तों अगर आपको कन्वर्ट करना है वर्ड फाइल में, अगर आपको कन्वर्ट करना है एक्सेल फाइल में, अगर आपको कन्वर्ट करना है पीपीटी में, अगर आपको कन्वर्ट करना है इमेजेस में, अगर आपको कन्वर्ट करना चाहते हैं सिंपल टेक्स्ट फाइल में तो सिंपल टेक्स्ट फाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इवन दोस्तों अगर आपको पीडीएफ ए डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसके अलावा दोस्तों एचटीएमएल फाइल से आरटीएफ है, काफी सारे आपको मल्टीपल फॉर्मेट में पीडीएफ डॉक्यूमेंट कन्वर्ट करने का फीचर मिल जाता है। एंड दोस्तों डॉक्यूमेंट कन्वर्ट करने के लिए अगर आपको कन्वर्सेशन की सेटिंग चाहिए तो कन्वर्ट की सेटिंग्स भी आपके लिए अवेलेबल है। सो देयर आर मेनी ऑप्शंस टू कन्वर्ट योर पीडीएफ डॉक्यूमेंट। इसके बाद दोस्तों अगले फंक्शन के बारे में बात करेंगे, जो कि टूल्स। एंड दोस्तों टूल्स में आने के बाद देखेंगे अगर आपको पीडीएफ फाइल को कंपेयर करना है सो पीडीएफ फाइल को कंपेयर कर सकते हैं। एंड दोस्तों अगर आपको कंप्रेस करना है सो कंप्रेस भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको ओसेर एंड ओसेर एरिया का भी फीचर मिल जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। सो अगर आपको अपने पीडीएफ डॉक्यूमेंट, मतलब कि स्कैन पीडीएफ डॉक्यूमेंट में कुछ टेक्स्ट वगैरह को स्कैन करना है, मतलब कि ग्रैब करना है, उसको ग्रैब भी कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट फीचर रहता है ओसीआर। सो ऑप्टिकल आपको रिकॉग्नाइजेशन का भी फीचर मिल जाता है, जिसके मेथड से देखेंगे आपको सारे सारे टेक्स्ट वगैरह आप क्या कर सकते हैं, कॉपी करके साइड में पेस्ट भी कर सकते हैं। तो फाइनल आपको ओसीआर का भी फीचर मिल जाता है। एंड दोस्तों कंप्रेस पीडीएफ, मतलब अगर आपको पीडीएफ फाइल को कंप्रेस करना है सो कंप्रेस भी कर सकते हैं। फ्लैटन फाइल है, फ्लैटन फाइल के साथ साथ अगर आपको क्रॉप करना है सो क्रॉप भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका पेज का साइज अगर ज़्यादा हो चुका है एंड अगर आप चाहते हैं कि क्रॉप करना है तो क्रॉप भी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों जो वाटरमार्क वगैरह फीचर्स है वो भी आपको टूल्स के अंदर मिल जाते हैं। इसके बाद दोस्तों अगले फीचर के बारे में बात करेंगे, जो कि है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का फीचर। सो फ्रेंड्स प्रोटेक्ट ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पासवर्ड ऐड करने का फीचर मिल जाता है, जैसे कि सेट पासवर्ड। सो अगर आपको डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए कुछ पासवर्ड सेट करना है सो डॉक्यूमेंट को भी ओपन करने के लिए पासवर्ड को सेट कर सकते हैं। एंड दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्टली अगर आपको कुछ परमिशंस वगैरह एक्सेस करना है तो उसके लिए भी पासवर्ड को सेट कर सकते हैं। सो कोई भी आपका जो पीडीएफ फाइल है, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट है, आपके पासवर्ड के बिना ओपन नहीं करेगा एवेयर एक्सेस भी नहीं करेगा। सो आपके लिए देखेंगे पीडीएफ में पासवर्ड सेट करने का भी फीचर मिल जाता है।
इसके बाद और सब बात करेंगे लास्ट फंक्शंस मतलब कि फीचर के बारे में जो कि है पेजेस एंड टेम्पलेट्स। सो फ्रेंड्स अगर आपको पीडीएफ डॉक्यूमेंट डिजाइन करने के लिए कुछ टेम्पलेट्स की जरूरत पड़ती है तो आपको बाय डिफॉल्ट इसमें काफी सारे टेम्पलेट अवेलेबल है जैसे कि मदर्स डे स्पेशल टेम्पलेट्स। उसके बाद देखेंगे रिज्यूम वगैरह डिजाइन करना है, प्लानर से, बिजनेस है, इवन दोस्तों अगर आपको लेटर वगैरह उसके बाद इनवॉइस बिल वगैरह डिजाइन करना है पीडीएफ डॉक्यूमेंट में तो आपके लिए काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टेम्पलेट्स आपको पहले से अवेलेबल है। सो टेम्पलेट का भी आपको फीचर इसमें मिल जाता है तो काफी शानदार फीचर्स आपको वंडरशेयर के पीडीएफ एलिमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर मिल जाते हैं। सो फ्रेंड्स अगर आप एक स्टूडेंट है, वर्कर है, एम्प्लॉइज है या फिर अगर आपका छोटा मोटा बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है तो आपके लिए जो टूल्स है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स अगर आपको भी ये प्रोडक्ट चाहिए तो इसकी जो लिंक है मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। सो मैक, विंडोज, एंड्रॉइड उसके बाद देखेंगे आईओएस के लिए अवेलेबल है। सो जल्दी से डाउनलोड कीजिए। एंड दोस्तों अगर आपको बाय करना है तो इसको काफी सारे प्लान्स एंड प्राइसिंग अवेलेबल है विंडोज के लिए, मैक के लिए, जैसे कि इंडिविजुअल प्राइजेस है, उसके बाद लॉन्ग टर्म प्राइजेस है। इसके बाद देखेंगे अगर आपको कुछ स्पेशल प्राइजेस चाहिए, एजुकेशनल प्राइजेस है, सो अगर आपको बाय करना है तो बाय कर सकते हैं, फ्रॉम $9 से अवेलेबल है। सो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।